देखिए, जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, शहद, चंदन, सुगंध, तो ये अभिषेक नहीं होता, ये केवल अर्पण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रोज भगवान शिव का दूध से अभिषेक करता हूं, वो अभिषेक नहीं है, वो केवल अर्पण है। जब विशेष मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तो उसे हम अभिषेक कहते हैं। इसलिए सामान्यतः जो हम करते हैं वो शिवलिंग पर वस्तुओं का अर्पण है। जब ये मंत्रों के साथ किया जाएगा तब हम इसको अभिषेक कहेंगे।